वेलकम बैक अगेन दोस्तों। अगली अपन लोक देवी पढ़ रहे हैं वो हैं नारायणी माता। तो कुछ विशेष देवियां दोस्तों पढ़ रहे हैं वो है जो सती हुई थी। वैसे अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर भारत के संदर्भ में सतियों पर रोक है, सती प्रथा पर रोक है, इसे कुप्रथा घोषित किया गया सरकार के द्वारा। लेकिन इस राजस्थानी अंचल की अगर संस्कृति की बात करें, इतिहास की बात करें, तो राजस्थान का इतिहास है सतियों से भरा पड़ा। यहाँ के इतिहास सती केवल पति के साथ नहीं, और भी कई अपने जैसे दादी अपने पोते के साथ इस प्रकार से भी सतियाँ हो रखी है। और न केवल राजस्थान के अंदर, न केवल राजपूत जाति के अंदर, अभी तो सभी जातियों के अंदर सतियाँ हुई है। तो इसका उदाहरण पढ़ते हैं अपन, जैसे नारायणी माता का उदाहरण पढ़ते हैं। तो नारायणी माता का मंदिर कहाँ है, पहले तो मंदिर की बात करते हैं। तो नारायणी माता का जो मंदिर है वो बरवा डोंगरी राजगढ़, बरवा डोंगरी राजगढ़ तहसील अलवर में स्थित है। राजगढ़ तहसील अलवर में माता का मंदिर स्थित है। साथियों, नारायणी माता का मूल नाम क्या था? तो नारायणी माता का जो मूल नाम है, बचपन का नाम है, वो था करमाबाई। कहीं कहीं आपको करमेती बाई के रूप में भी नाम मिल जाएगा। करमेती बाई तो एक ही नाम है, करमाबाई कह दो चाहे आप, करमेती बाई कह दो। अब देखिए, ये अपने पति के साथ सती हुई है, तो इनके पति का क्या नाम है? तो इनके पति का नाम है साथियों, बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, करमसी। करमसी इनके पति का नाम है। तो इनके पति का नाम क्या था? करमसी। अब साथियों, किस्सा क्या हुआ? नारायणी माता का बचपन में ही विवाह हो गया। उसके बाद में एक गोने की रस्म होती है जो मुकलावापन कहते हैं, यानी बड़े होने के बाद में जब करमसी इनको लेने के लिए जाते हैं ससुराल, तो वापस लौटते समय जो बरवा डोंगरी की पहाड़ियाँ हैं, अलवर वाला इलाका जो वर्तमान में सरिस्का का इलाका है, उस सरिस्का के इलाके के अंदर तेज़ धूप की वजह से सोचते हैं कुछ समय आराम किया जाए। तो ये रुकते हैं वहाँ पर और आराम करते हैं। आराम करते समय पहाड़ी क्षेत्र के अंदर किसी जहरीले जीव के काटने पर इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में कर्मा को जैसे ही पता चलता है पति काफ़ी देर हुई है, निद्रा से उठे नहीं है, तो उनको जगाने का प्रयास करती है, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया या रिएक्शन नहीं आता है। तब वो थोड़ी परेशान हो जाते हैं और आसपास कोई ग्वाले थे उनको जब आवाज़ देते हैं, तो वहाँ पे कुछ मीणा ग्वाले वो आते हैं। वो आकर देखते हैं कि उनको पता चलता है कि करमसी है वो संसार छोड़ चुके हैं। तब जो मीणा है वो क्या करते हैं, ग्वाले हैं जो, वो एक चिता तैयार करते हैं करमसी के लिए। और वो ये सोचते हैं कि हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर सूर्यास्त होने से पूर्व दाह संस्कार किया जाना थोड़ा जरूरी माना जाता है। अब साथियों, जैसे ही चिता तैयार होती है और अपने पति को गोद में लेकर नारायणी माता या कर्मा सती होने की चेष्टा करती है और मीणा से निवेदन करती है कि आप मेरी चिता में अग्नि प्रज्वलित कीजिए, मीणा जो ग्वाला है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है, माता हमें इतनी वो क्षमता नहीं है, मैं किसी को जीवित कोई इंसान अगर बैठा है तो मैं उसे कैसे अग्नि प्रज्वलित कर दूँ। फिर कहते हैं वो भगवान सूर्य से आह्वान करती है और भगवान सूर्य के आह्वान पर चिता में स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तब मीणा माता के आगे हाथ जोड़ के खड़ा होता है और माता अंतिम समय उसको वरदान देती है कि तुम्हें जो मांगना है मांगो। मीणा ग्वाला जो कहता है कि माता हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, तो माता उन्हें वरदान देती है कि तू जहाँ तक जाएगा तेरे पीछे एक पानी की धारा के रूप में पानी की तेरी चलेगी। 2 किलोमीटर चलने के बाद में मीणा वापस पीछे मुड़ कर देखता है तो वहाँ पर जल धारा आकर रुक जाती है। तो वहाँ एक जल धारा चलती है दोस्तों, जो लगभग 2 किलोमीटर इस मंदिर परिसर से चलती है। उसके बाद में बात करें साथियों कि नारायणी माता के पुजारी कौन है। तो अभी अपन ने कहानी पढ़ी कि नारायणी माता के पुजारी हैं वो मीणा जाति के होते हैं। तो नारायणी माता का जो पुजारी है वो कौन होंगे? मीणा जाति के लोग होंगे। अब साथियों, एक विवाद उत्पन्न हुआ, इसकी वजह से अपन को लिखना पड़ रहा है कि नारायणी माता है इसकी पूजा को लेकर जिस कुल के अंदर माता का जन्म हुआ उनका और मीणाओं के बीच में एक हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो अपन से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि यह किस वंश की कुल देवी है। तो नारायणी माता दोस्तों ये सैन वंश की कुल देवी है। सैन वंश जिनको हम
नाई वंश के रूप में या नाई जाति के रूप में भी जानते हैं, तो नाई वंश या सेन वंश की कुल देवी है। तो सेन समाज इसे अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है नारायणी माता को। अब दोस्तों बात करते हैं नारायणी माता का मेला कब भरता है। अब एक तथ्य आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि सती स्थल है जिनको सरकार ने गैर मान्यता दे रखी है, यानी मान्यता नहीं दी है, क्योंकि राजस्थान के अंदर सतियों को लेकर थोड़ा सा बैन है भारत सरकार की तरफ, राजस्थान सरकार की तरफ से। तो मेले की तिथि अपने से पूछी जा सकती है क्योंकि श्रद्धा को आप रोक नहीं सकते। तो मेला है वो वैसाख शुक्ल 11 को लगता है, वैसाख शुक्ल एकादशी या 11 आप कह सकते हो, तो एकादशी को मेला लगता है, वैसाख शुक्ल एकादशी। तो ये मेला भरता है नारायणी माता का। सेन समाज की कुल देवी है, पुजारी होते हैं वो मीणा जाति के लोग होते हैं, पति का नाम इनके करमसी था, मूल नाम इनका कर्मा बाई या करमेती बाई है, और मंदिर कहाँ है, बरवा डोगरी राजगढ़ अलवर, सरिस्का अभयारण्य के बिल्कुल पास में। तो पहली देवी है दोस्तों नारायणी माता। अब देखिए एक बैक टू बैक हम दूसरी और देवी पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसके बारे में भी अपन कन्फ्यूज हो सकते हैं क्योंकि उन देवी के नाम के अंदर भी नारायणी शब्द आएगा। तो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है और बड़ी देवी है उनके बारे में, वो भी सती है। तो दूसरी सती देवी को अपन, इनका नाम ही क्या है, रानी सती या सती दादी, रानी सती या सती दादी के रूप में कौन सी लोक देवी पूज्य है। तो रानी सती या सती दादी के रूप में झुंझुनू की जो सती माता है वो पूज्य है। तो इनका मंदिर कहाँ है दोस्तों, इनका मंदिर झुंझुनू शहर के अंदर स्थित है। मंदिर कहाँ है, झुंझुनू शहर के अंदर। साथियों इनका मूल नाम क्या था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना। अभी अपने एक नारायणी माता पढ़ी थी, इनका मूल नाम है नारायणी देवी। तो दोनों को साथ साथ याद रखना है कि एक देवी का खुद का नाम है वो नारायणी माता है, जिनका मूल नाम तो कर्मा देवी था, और दूसरी जो लोक देवी है उनका जो किस नाम से प्रसिद्ध है, रानी सती या सती दादी के नाम से, उनका मूल नाम है नारायणी देवी। तो जो ये इनका मंदिर तो झुंझुनू के अंदर है। पति की बात करें तो इनके पति का नाम था तन धन दास, तन धन दास इनके पति का नाम था। इनके पुजारी कौन होते हैं, इनके पुजारी है अग्रवाल समाज के लोग होते हैं, अग्रवाल समाज का। और साथियों कुलदेवी भी किसी की है, कुलदेवी ये अग्रवाल समाज की कुलदेवी है, अग्रवाल समाज की कुलदेवी है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं कि माता का मेला कब भरता है। तो माता का मेला साथियों जो आपके अमावस्या आती है चैत्र अमावस्या को माता का मेला भरता है। अब साथियों एक विशेष चीज़ ये रखनी है कि जितने भी अपने मंदिर हैं सतियों के मंदिर, उन सतियों के मंदिर में सबसे भव्य मंदिर किसका है, उन सतियों के मंदिर में सबसे भव्य मंदिर रानी सती का है। कहते हैं कि ये मंदिर है वो संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है, सफ़ेद संगमरमर यानी मार्बल से निर्मित है, सफ़ेद संगमरमर से निर्मित सबसे भव्य मंदिर, सबसे भव्य मंदिर। अब साथियों बात करते हैं, देखिए क्या हुआ था, हिसार का एक शासक था जिसने नारायणी माता के पति यानी तनधन दास जी को धोखे से बंदी बना लिया। माता ने सिंह का रूप धारण किया, अपने पति की मृत्यु का बदला लिया। उसके बाद में उनकी चिता के साथ में अपने कुछ सहयोगियों के साथ, अपने कुछ अन्य रानियों के साथ ये शहीद हो गई। ठीक है साथियों, तो ये है रानी सती या सती दादी, जिनसे अपने सवाल आते हैं, क्योंकि कारण ये है, एक तो ये अग्रवाल समाज की कुल देवी है और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इनका जो मंदिर है बड़ा भव्य मंदिर है, संगमरमर से निर्मित है। उसके बाद साथियों पढ़ते हैं एक ऐसी लोक देवी जो सती है, कहते हैं कि वो सती बिना पति के सती हुई, वो है अपनी घेवर माता। घेवर माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो घेवर माता का मंदिर राजसमंद की पाल पर है। राजसमंद खुद राजसमंद झील, राजसमंद जिले के अंदर ही है। तो राजसमंद झील, जिला राजसमंद ही होगा, के किनारे।
राजसमंद झील के किनारे, और जिला भी कौन सा है आपका? राजसमंद। क्या विशेषता है दोस्तों? विशेषता है इस माता की कि बिना पति के सती हुई, बिना पति के सती हुई। इसके अलावा एक और विशेषता दोस्तों, कहते हैं कि जो राजसमंद झील है, उस राजसमंद झील की जो पाल है, पाल का मतलब जैसे मान लो पानी को रोकने के लिए एक झील के किनारे जो एक बाउंड्री बनाई जाती है, उसे कहते हैं पाल। अब इस पाल का जो पहला पत्थर है, वो माता ने ही रखा था, घेवर माता ने। तो घेवर माता ने रखा। अब साथियों थोड़ा समझिए, हुआ ये था कि राजसमंद झील का जब निर्माण किया जा रहा था, तो इनकी पाल बार बार टूट रही थी, और पाल बार बार टूटने से पानी रुक नहीं पा रहा था। तब एक यज्ञ का आयोजन किया गया, और एक ज्योतिष ने कहा कि कुछ ऐसा कोई ऐसा इंसान, ऐसी कन्या जो चारित्रिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से बहुत शुद्ध है, वो अगर इसका पत्थर का पत्थर रख दे, पहला पत्थर रख दे, तो झील का पानी रुकेगा नहीं। तो कहते हैं कि मालवा से घेवर माता की खोज हुई, और माता ने सबसे पहले राजसमंद झील का पहला पत्थर रखा। पहला पत्थर रखते के समय ही जब ये हवन किया जा रहा था, तो हवन के अंदर ही माता सती हो गई थी। तो ये है घेवर माता। उसके अलावा एक बड़ा प्रकरण साथियों, जिसके बारे में भी अपने से सवाल आता है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आपने न्यूज़ के अंदर सुन रखा होगा, एक आता है आपका देवराला प्रकरण। देवराला सती प्रकरण, देवराला सती प्रकरण क्या है दोस्तों? देवराला गांव है दोस्तों, सीकर के अंदर, देवराला गांव सीकर के अंदर स्थित है। वहां पे एक सती हुए थे जिनका नाम था रूप कंवर। रूप कंवर है वो अपने पति मालम सिंह की चिता के साथ सती हुए। अब ये घटना है दोस्तों कब की? ये घटना है 4 नवंबर, सॉरी 4 सितंबर 1987 की। तो 4 सितंबर 1987 को ये घटनाक्रम हुआ, और रूप कंवर नाम की कन्या है वो अपने पति मालम सिंह की चिता के साथ सती हुई। और ये घटना कहाँ की? देवराला सिक्कर की। ये घटना आधुनिक भारत के अंदर हो रही है साथियों, ज़्यादा इसको वर्ष नहीं हुए। और इस घटना की वजह से राजस्थान के अंदर, क्योंकि सती प्रथा रोक थी, और ऐसी घटना हो जाने की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय रहा। उस समय देवराला है पूरी तरीके से एक सैनिक छावनी के रूप में बदल गया, और सारी फोर्सेस वहां पर आ गई, और माता का जो एक प्रकार से जो सती का जो कार्यक्रम है वो तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद में सती प्रथा को पूरी तरीके से गैर कानूनी कर दिया। न केवल इसके अलावा सती स्थल है उनको भी पूजा पाठ करना, उस पर भी रोक लगा दी, उनका प्रचार प्रसार करने पर भी रोक लगा दी। तो इस घटनाक्रम के बाद में साथियों, राजस्थान के अंदर जो सती प्रथा है या सती मंदिर है, उन पर भी पूजा अर्चना और मेलों के आयोजन पर प्रतिबंध है। लेकिन उसके बावजूद भी चीज़ें तो चल रही, आस्था खत्म नहीं हुई है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। तो अगले प्रकरण में अपन पढ़ेंगे साथियों दूसरी लोक देवियाँ। ऐसे ही आप प्यार बनाए रखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।